हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिव विक्रति। एंड आज के वीडियो में हम 10 डेज चैलेंज जो है और 10 डेज का स्टडी प्लान देखने वाले हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो सकते हैं, 12th के, अदरवाइज 11th एंड 9th वालों को भी टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है जब उनके एग्जाम्स आ रहे हों। तो आपका टाइम टेबल 10 दिन की हम बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम 10 दिन में अपना सिलेबस कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम कुछ चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जब भी हम टाइम टेबल की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर टाइम टेबल, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट मत रखना कि हम आपके टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, आप काम कैसे करेंगे। वेन एवर वी टॉक अबाउट टाइम टेबल, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम अपना माइंड मेकअप कैसे करें। मतलब ये है, हमारे दिमाग को पहले बताना होता है कि भैया मैं ना ऐसा ऐसा काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। अभी उसको पता चल गया, वो अपने आप को तैयार कर लेगा। और अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, चीज़ों को लेट करते हो, तो वो धीरे धीरे अपने आप को कन्विंस कर ही लेगा, भैया उठ जाओ, अब तो करना ही पड़ेगा। सो बेसिकली प्लानिंग एंड टाइम टेबल इज फॉर योर ब्रेन, नॉट फॉर यू, बिकॉज यू फंक्शन एज पर योर ब्रेन, नॉट बाय योर सेल्फ। अगर खुद से करना होता तो आज ही पढ़ने बैठ जाते, हम ही करते फिर तो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप। तो प्लानिंग हम बात करेंगे 10 दिनों की, और इसमें आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स रखिएगा। इसमें आपको सुबह 4 बजे से उठना है एंड रात को 12 बजे सो जाना है। अगर आपको लगता है यार 4 बजे बहुत जल्दी हो रहा है, आप 5 बजे भी उठ सकते हो, लेकिन इससे लेट नहीं उठना। 5 बजे उठना, रात को 12 बजे सोना, ये काम आप केवल 2 दिन करके देख लो, आप जो अपने अंदर चेंजेस पाओगे ना, आप खुद ही चौंक जाओगे। बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम डूइंग पिछले कुछ दिनों से, मतलब यू कैन से दैट कि सिंस लास्ट 20 डेज आई एम डूइंग इट। बट उससे पहले मेरा शेड्यूल एकदम उल्टा पुल्टा था, उल्टा पुल्टा आई विल नॉट से दैट कि ये खराब था, बट उससे मुझे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था कि जितना कि फ़ायदा इससे हो रहा है। सो अगर आप सुबह से उठते हैं और टाइम टू टाइम सो भी जाते हैं, तो आपको परफेक्ट अपनी 4 से 5 घंटे की नींद भी मिल रही है, आपका सारा काम भी हो रहा है, दोपहर में भी आपको नाप लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इफ़ यू विल डू द थिंग्स जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, आपके टोटल है 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है? उन 5 सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो आपने नहीं किया। मान लीजिए आपने 20% तक जो सिलेबस है वो किया होगा, लाइक मैं लीस्ट बता रही हूँ, कम से कम 20% तक का तो सिलेबस आपने किया ही होगा। 20% ऑफ सिलेबस आप कर चुके हैं, बाकी करना बाकी है। एग्जाम में अभी 2 से 3 महीने हैं, तो तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए आपको एक प्लान बनाना होगा एंड उस प्लान को अपने दिमाग को बताना होगा कि तुम्हारे पास है 10 दिन एंड इन 10 दिनों में आपको करनी है हर रोज़ पढ़ाई, और एटलीस्ट यू विल डिवोट योर 5 to 6 hours। अब चूंकि गर्मी आ चुकी है, एटलीस्ट इनटू माय एरिया वी आर हैविंग लाइक उतनी सर्दी नहीं बची है, सुबह शाम की सर्दी है जो इट्स ओके, लाइक हम उतनी झेल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सुबह जल्दी उठने का ऑप्शन दिया, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं देती। तो आप आसानी से उठ सकते हो। वंस यू विल हैव योर प्लान एंड देन रीड आउट इट for yourself, read out it and if possible read out it at least 2 or 3 times, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा बट दिस रियली वर्क्स। ये बोलते हैं ना कि जो चीज़ आपको करनी हो अगर आपके सामने वो हो तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। लास्ट के वीडियोज़ में, टाइम टेबल की वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि आप चार्ट पेपर लगा लो अपना टाइम टेबल का, तो जब वो बार बार रूम में दिखेगा ना तो आपको याद आएगा, अच्छा मुझे ये करना था, अच्छा मुझे ये करना था। ये नहीं कर सकते तो रिमाइंडर लगा लो अपने फ़ोन में। आपको लगता है कि नहीं यार, आप ना भूल जाते हो चीज़ें, आप नहीं रख पाओगे यार, आप रिमाइंडर लगा लो। दूसरी बात, जस्ट फाइंड आउट योर वीक पॉइंट एंड उसी वीक पॉइंट पे एक कोट निकालो। फॉर इंस्टेंस यू रीड, ठीक है? आप रोज़ पढ़ते हो, लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि आप ना बीच में मिस कर देते हो। मतलब पढ़ते तो आप 6 घंटे भी पढ़ लेते हो, आप 8 घंटे भी पढ़ लेते हो, बट यू मिस समवेयर, कहीं ना कहीं आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है। टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, फाइंड आउट 1 quote, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी इज द एवरेज की टू बिकम एक्सीलेंस पर्सन, ठीक है? एक्सीलेंट पर्सन, हम ये वाला कोट लेते हैं, ये वाला कोट लो, इंटरनेट से बहुत सारे मिल जाएंगे कंसिस्टेंसी पे, उसको अपना वॉलपेपर बना लो फोन का। पता है क्या होगा इससे, आपको एक बात अजीब लग रही होगी, लेकिन फोन हम कितनी बार जो है टर्न ऑन टर्न इन करते हैं, हम उसको टर्न इन टर्न ऑन, मतलब टर्न ऑफ टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करते हैं दिन में, खोलते बंद करते, खोलते बंद करते, बहुत बार, इतनी बार तो हमने किताबें कर ली होती तो आज जाने कहाँ होते। किताबें नहीं, ठीक है? आप जितनी बार फ़ोन करते हो ना, तो फ़ोन जब ऑन ऑफ करोगे तो यू विल गेट द थिंग, अच्छा
मेरे अंदर ना कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम है कि आई डू नॉट डू द थिंग्स. इफ़ यू थिंक दैट यू आर बैड इन मैनेजमेंट, इफ़ यू थिंक दैट यू आर बैड इन प्लानिंग थिंग्स, प्लानिंग से रिलेटेड कोई चीज़ निकाल लो, इससे कोई रिलेटेड कोट निकाल लो. अदरवाइज अ पर्सन हु इंस्पायर यू द मोस्ट हैव द वॉल पेपर ऑफ दैट पर्सन, सो दैट वेन एवर यू विल सी योर फोन एंड यू विल चेक योर फोन, आपके पास ये रहेगा कि यार मुझे इस इंसान जैसा बढ़ना है, मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं इनडायरेक्टली. आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपको होगा, क्योंकि आपको कुछ भी करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के साथ ही रहना होता है. इफ़ यू वॉन्ट कि आपकी लाइफ अच्छी हो, यू नीड गुड एनवायरमेंट, राइट? यू नीड गुड सराउंडिंग, यू नीड इंस्पायर्ड एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग सो दैट यू कैन ग्रो इन टू दैट एनवायरमेंट. सेम थिंग, अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको अच्छा अच्छा कॉन्टेंट कंज्यूम करना होगा. फोन चला रहे हो तो भी उससे एग्जाम से रिलेटेड हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रिपरेशन होती रहे, नहीं चला रहे हो तो भी प्रिपरेशन होती रहे, कुछ भी कर रहे हो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली हमारी प्रिपरेशन होती रहनी चाहिए, एंड वही जो है होती रहे, इसलिए हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं. सो यू हैव रेड दिस फॉर योर माइंड एंड अब दिमाग के लिए पढ़ लिया है ना, दिमाग को एक दिन पहले से कन्विंस करना शुरू कर दो कि कल तुमको काम क्या करना है. जैसे कि हमारा जो वीडियो बनाने का शेड्यूल होता है, लाइक जो मेरा होता है वीडियो बनाने का शेड्यूल, वो ऐसा है कि मैं रात को डिसाइड कर लेती हूँ, अच्छा मैंने ये कल बताया था तो नेक्स्ट डे जो है मुझे ये बताना, रफ शेड्यूल. आई डू नॉट राइट, ठीक है, मैं लिखती नहीं हूँ. आई राइट इट इन द मॉर्निंग आफ्टर माई मॉर्निंग वॉक. तो मॉर्निंग वॉक के बाद जो सबसे पहले मेरा काम रहता है वो ल्यूकवार्म वाटर कंज्यूम करना, देन डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, देन राइट डाउन माई डायरी कि मेरे आज की गोल्स क्या है एंड अचीवमेंट क्या है. तो अचीवमेंट मैं रात को लिखूंगी, गोल्स मैं सुबह लिख लेती हूँ, और फिर उसके हिसाब से ग्राफ भी बना लूंगी, सेटिस्फैक्शन रेट का, एंजॉयबल रेट का एंड टारगेट कंप्लीशन रेट का. तो लास्ट में जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि आई नीड टू मेक अ 5 वीडियोज, बट मैंने बनाया केवल 3, तो मेरा जो टारगेट कंप्लीशन रेट होगा ना वो 100% नहीं होगा, दिस विल बी 60% ही रह गया, ठीक है, मैं नहीं कर पाई, मुझे करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो ये टारगेट कंप्लीशन रेट हो गया. अभी मुझे ये काम ज़बरदस्ती मैंने धक्के मार के किया है या फिर नहीं किया है तो उससे मेरा एंजॉयबल रेट पता चल जाए, सेटिस्फैक्शन, द टाइप ऑफ अ कॉन्टेंट विच आई क्रिएटेड, इज इट गिविंग मी सेटिस्फैक्शन, समटाइम्स इट डू नॉट, ठीक है, समटाइम्स इट डज नॉट एक्चुअली. तो वो भी मैं रेट लिखती हूँ, 0% तो कभी नहीं होता है लेकिन 100% भी हर रोज नहीं होता है. तो आई गेट टू नो कि अच्छा मुझे कुछ और अलग करना है विच विल गिव मी सेटिस्फैक्शन एज वेल एज एंजॉयबल रेट जो है उसमें वो डबल हो जाए. तो टाइम टेबल बनाते वक्त ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, टाइम टेबल तो बना लिया, अब वक्त जो आपका आता है वो एक्शन का, क्योंकि अगर एक्शन होगा तभी तो रिएक्शन होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यू, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल एज ग्रुप पीपल, बिकॉज वॉट वी डू, वी स्पेंड मोर टाइम इन प्रोकेस्टिनेशन, वी इन्वेस्ट आर मोर टाइम इन टू ओवर थिंकिंग, एंड ओवर थिंकिंग में तो हमने जो है वो PhD करके रखी हुई है. उस ओवर थिंकिंग की वजह से हम कितना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और वो टाइम जो है कहीं और इन्वेस्ट हो जाता है जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं होता है. तो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज दैट वी हैव, स्टॉप ओवर थिंकिंग. इफ यू थिंक दैट यू आर ओवर थिंकिंग, लिखना शुरू कर दो. पता है इससे सबसे बढ़िया क्या होती है चीज़, मेरा इसमें मानना है कि जब भी आप ओवरथिंक करो आप लिखना शुरू कर दो, एंड देयर विल बी वन पॉइंट ऑफ अ टाइम, अगर आप आलसी हो, आप बहुत ज़्यादा बड़े वाले आलसी हो तो आप थक जाओगे, आप ना 2 लाइन लिखोगे और फिर कहोगे यार छोड़ो, तो और आप ओवरथिंक करना ना उस प्रोसेस में बंद कर दोगे. सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू, राइट डाउन योर थिंग्स. इफ यू थिंक दैट यू आर ओवरथिंकिंग, लिखोगे 2 लाइन लिखोगे 3 लाइन लिखोगे, क्या ही लिख रहा है मुझे तो पता है, मैं खुद ओवरथिंकिंग कर रही हूँ तो मुझे तो पता ही होना चाहिए, एंड यू विल स्टॉप राइटिंग, और आप देखोगे कि मैजिकली वो आपके सारे थॉट्स भी गायब हो गए जो आप सोच रहे थे. प्लानिंग ये 10 दिन की रखना, इसमें एक दिन ऐसा रखना जिसमें आप मैक्स काम करो अपना, मैक्स ट्राई टू फाइंड आउट योर पोटेंशियल. मतलब मुझे कोई ऐसा दिन बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना कि जिस दिन आपने मैक्स से मैक्स पढ़ाई की हो, मैक्स मतलब आपकी एंटायर लाइफ में अभी तक का वो कौन सा दिन था. फॉर इंस्टेंस इफ आई से दैट कि एक बार ऐसा था कि मैंने 14 घंटे पढ़ाई की थी, और इफ आई टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ वीडियो, देयर वाज अ वन पॉइंट ऑफ अ टाइम आई क्रिएटेड वीडियो कंटिन्यूसली फॉर 9 आवर्स. तो ये आई थिंक लास्ट से लास्ट ईयर की बात, 2019 की बात है, व्हेन आई वाज अबाउट टू शिफ्ट दिल्ली,
ठीक है, फॉर माई फर्दर एजुकेशन। तो उस वक्त मुझे एडवांस में काम करना था, मैंने किया नहीं था। अब बचा था मेरे पास केवल 2 से 3 दिन, तो मुझे एक दिन जो है 9 घंटे तक वीडियो बनानी पड़ी थी, एंड आई डिड इट। मेरे फ़ोन की बैटरी ने साथ दिया था एंड इट वर्कड वेल। तो मुझे पता चला कि इफ़ आई वॉन्ट मैं तो 9 घंटे भी काम कर सकती हूँ। वाई आई एम वर्किंग ओनली 2 or 3 hours इन अ डे If I can work for a 9 hours, because if I'll work for a 9 hours, there will be one point of a time that this will become consistent, and at the end, ये मेरी आदत हो जाएगी, and I'll start enjoying my work. Because when you do your work and if you are enjoying it, you find that ki each day is a vacation for you. You know, एक बहुत ही अच्छा गाना है, अगर आप काम करते हैं आपको लगता है कि यार you are getting bored with your things, do listen to this song. This name is Vacation by Dirty Hats. इसके एक एक लिरिक्स ना मतलब इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग है। ज़्यादातर क्या होता है, हम अंग्रेजी गाने सुनते तो है। आई टू लाइक हॉलीवुड सॉन्ग्स अ लॉट, लाइक जो बैंड्स हैं फेमस वो मुझे बहुत पसंद है, क्वीन हो गया, बहुत सारे। तो आई लिसन अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा सुनती हूँ मैं, मेरा टेस्ट भी जो है वो काफ़ी अलग है। तो आई जस्ट रियलाइज वन थिंग कि गाने सुनने की वजह से, हम अंग्रेजी गाने सुनते तो हैं, वी डोंट नो द मीनिंग्स ऑफ दोज लिरिक्स, हम गाते भी हैं उनके साथ लेकिन हमको उनके लिरिक्स का मतलब नहीं पता होता। जिस दिन पता चल जाएगा ना, मम्मी पापा या अपने बहन भाई के सामने भी नहीं गा पाओगे, क्योंकि इतना घटिया मतलब होता है उनका। नाउ डेज वी आर यूजिंग द वर्ड्स, अब्यूजिंग वर्ड्स इन अ वे लाइक इट्स टू कूल टू यूज इट, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कूल हो गया है, लोग खुद को ही गालियाँ दे रहे हैं, इट्स टू कूल, नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पसंद है, प्लीज़ डू इट, ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा है, और चॉइसेस आर मेंट टू बी रिस्पेक्टेड आई बिलीव, बट अगर वो लिरिक्स का मतलब समझ के इंस्पायरिंग है वो समझोगे, तो वो आपको लिटरली मज़ा आएगा, आपको फील होगा, उससे कनेक्शन फील होगा कि अच्छा ये द सॉन्ग विच आई सजेस्टेड यू, अगर आप वो सुनोगे तो आपको पता चलेगा मैं काम किस तरह से करती हूँ यार, तो फिर मैं अपने काम को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वाई इज इट द थिंग दैट आई एम डूइंग जबरदस्ती। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू इम्प्रूव इन टू योर सेल्फ, कि आप एक्शन लोगे तभी आपको रिएक्शन मिलेगा, मतलब आप पढ़ोगे तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट आपका एक दिन में नहीं आ जाएगा, यू नीड टू गिव योर सेल्फ 10 days, एंड इन 10 days में अपना काम करना शुरू करो। टाइम टेबल प्रॉपर कैसे होना चाहिए, लास्ट वीडियो एक बार चेक कीजिएगा, उसे मैंने पूरा शेड्यूल शेयर किया था। इफ़ यू वॉन्ट मी टू ब्रिंग अ नेक्स्ट शेड्यूल, क्योंकि अब समर आ रही है तो थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है, आई कैन ब्रिंग वन वीडियो ऑन टू इट, एंड हियर इज एन आइडिया विथ यू दैट वी कैन डू 2 or 3 hours productive study together. तो उसमें मैं बताऊंगी what are the things that you need to do. I'll be studying the subject which you do study and will share the tricks जो मैं अपने board examination के time जो है वो किया करती थी. For now, I'll just say that ये 5 subject है, इनको अपना 10 days दो. आपको लगेगा 5 subject 10 दिन कैसे होगा, तो ये 5 जो आपके subject है ना, ये नए नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो तो आप कर लोगे. दूसरी बात ये है, syllabus आपने अभी पूरा नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अपना syllabus आगे बढ़ाइए. Planning की हम बात करते हैं तो आपको अपने mind को prepare करना है, क्योंकि आपका mind एक बार prepare हो गया तो खुद तो हो ही जाओगे. Then you have action, you need to take action, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, overthinking is just going to consume your time, nothing else, you need to react. Schedule is 10 दिन में इससे नहीं बिगड़ना चाहिए, बस सुबह रोज 4 बजे या फिर 5 बजे as per your convenience उठोगे एंड सो जाओगे 12 बजे, कुछ हो जाए, मोबाइल का डेटा टर्न ऑफ करके 12 बजे सो जाना. आस्क टू वन ऑफ योर फ्रेंड और योर पर्सन टू होम यू ट्रस्ट अ लॉट कि भैया मैं अगर तुमको 12 बजे के बाद ऑनलाइन दिख जाऊँ ना तो मुझे सुना देना, मुझसे बात मत करना, समथिंग लाइक दिस. तो उसका फियर लिटरली बहुत ज़्यादा रहता है कि यार ये इंसान जिससे मैं पूरे दिन भर बात करती रहती हूँ, ये मेरी दोस्त मुझसे बात नहीं करेगी, मुझे फ़ोन करना होगा तो वो काट देगी, ये फियर होना ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर आपने पेरेंट्स को बोल दिया तो फिर है ना आप एक टाइम बाद में, ये रियलिटी है, अगर आप पेरेंट्स को बोलोगे कि ना मम्मी मुझे अगर मैं 12 बजे नहीं उठूँ ना तो डांट देना ये वो, तो फिर वो डांट भयंकर भी पड़ जाएगी, और जब आप रोकना चाहते हो तो रोक नहीं पाओगे. फ्रेंड्स वाला जो है यहाँ पे मैटर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, और खुद से सिंसियरिटी हो तो फिर तो बात ही क्या है, तो फिर तो दोस्त की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बस ये चीज़ नहीं बिगड़नी चाहिए, एंड सी द चेंज दैट यू विल हैव इनटू योरसेल्फ. दीज आर माय टिप्स इनटू दिस वीडियो. डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ योर स्टडीज इज गोइंग ऑन. आप क्लास 12th में पढ़ते हैं या फिर 9th में, ये भी मुझे बताइएगा. आई एम टू से क्लास 10th में, ये बताइएगा जरूर. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडी शिविर का यूट्यूब फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कॉन्टेंट. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.